दर्शकों, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ डीएनएन की खास पेशकश सियासी हलचल में। आज हम आपके साथ बहुत दिलचस्प मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं और मुद्दा है फिल्मी कलाकारों का राजनीति के साथ रिश्ता, बॉलीवुड का, गायकों का, लोक गायकों का। एक बहुत ही ग्लैमरस फील्ड मानी जाती है और राजनीति में जब वो प्रवेश करते हैं तो पार्टियां अक्सर ये देखती हैं कि उनके जो ग्लैमर है, जो उन्होंने अपने ज़िंदगी भर में एक अपना रुतबा खड़ा करा होता है, उसका फ़ायदा वो उस राजनीतिक पार्टी को दे करके जाएंगी। लेकिन ये अक्सर देखा गया है, ये सच्चाई नहीं है। कभी कभी खुद ही वो कलाकार उस राजनीति की फील्ड को छोड़ करके अलविदा कह देते हैं, या तो दोबारा बॉलीवुड में एंट्री कर लेते हैं या उस फील्ड को भी अलविदा कह देते हैं। आज पंजाब में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, साथ के साथ चार राज्यों में और भी हैं, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, गोवा हो गया, मणिपुर हो गया। दर्शकों, आज हम आपके साथ बातचीत करेंगे पंजाब की राजनीति को लेकर के कि इसमें किस प्रकार बॉलीवुड कलाकारों ने या लोक गायकों ने या गायकों ने क्या भूमिका निभाई है, क्या उनका भविष्य रहा है और क्या फ़ायदा उनसे राजनीतिक पार्टियों को मिला है। इससे पहले हम आपके साथ एक नज़र डाल लेते हैं खास करके वो बहुत चर्चित चेहरे जिन्होंने राजनीति में कदम रखा, अपनी एक पहचान बनाई या वो राजनीति को अलविदा कह करके दोबारा बॉलीवुड में कदम रख गए। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अमिताभ बच्चन जी से। शत्रुघ्न सिन्हा, एक बहुत ही चर्चित और बहुत ही ख्याति प्राप्त नाम, जयललिता जी जो 6 बार तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर रहीं, मुख्यमंत्री रहीं, इसी के साथ जया प्रदा, स्मृति ईरानी, राज बब्बर, कमल हसन, एंटी रामा राव, ये ऐसे कुछ एक नाम हैं जो हमारी जबान पे चढ़े हुए हैं। हेमा मालिनी जी जो राजनीति में जिन्होंने बॉलीवुड से पदार्पण करा और अच्छी ख्याति भी कमाई, और कुछ एक चेहरे ऐसे रहे जो राजनीति को अलविदा कह करके दोबारा बॉलीवुड इंडस्ट्री में चले गए। चलिए आज हम आपके साथ बातचीत करते हैं। पंजाब में ये सिलसिला शुरू हुआ पंजाब के धार्मिक गायक रामू वालिया जी के साथ, जो कि केंद्र में मंत्री तक बने। लेकिन अगर इसके विपरीत देखा जाए तो उन्हीं के दामाद हरभजन सिंह मान को ये राजनीति रास नहीं आई और वो राजनीति को अलविदा कह गए। आइए हम एक बार चुनावी राजनीति में इन कलाकारों के ऊपर एक नज़र डालते हैं। 1990 के दशक में एक बहुत ही चर्चित बॉलीवुड चेहरा और एक जानी मानी हस्ती विनोद खन्ना ने राजनीति में पदार्पण करा पंजाब के गुरदासपुर में, और वहाँ पर उन्होंने बहुत ही बढ़िया कार्य किया, बहुत पुल बनवाए और इतने पुल बनवाए कि उनको पुल वाला सांसद तक कहा जाने लगा। और इसी के विपरीत यदि पंजाब में ही हम दूसरे पंजाब के चर्चित चेहरे हंसराज हंस की बात करते हैं, तो उन्होंने 2 बार पंजाब में अपनी किस्मत आजमाई लेकिन फाइनली उनको दिल्ली में जा कर के अपना गंतव्य मिला और वहां से वो लोकसभा का चुनाव जीते। दर्शकों, इसके बाद हम आते हैं सन 2012 में। पंजाब के प्रसिद्ध लोक गायक मोहम्मद सदीक, कॉमेडियन गुग्गी और भगवंत मान ने सन 2012 में राजनीति में कदम रखा और एक बार फिर से इतिहास ने अपने आप को दोहराया। मोहम्मद सदीक तो चुनाव जीत गए लेकिन गुरप्रीत गुग्गी को ये राजनीति रास नहीं आई और उन्होंने इसको छोड़ दिया। और उसी के साथ ही साथ भगवंत मान ने संघर्ष करते हुए इस फील्ड में अपने कदम जमाए रखे, आगे बढ़ते गए। और अगर वर्तमान में हम बात करें तो इस समय वो पंजाब की एक सियासी दल का मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में उभर करके सामने आए। दर्शकों, गुरदासपुर की इसी कड़ी को एक बार हम और आगे बढ़ाते हैं। 2019 में, 2012 तक की हमने आपसे बात कर ली, 2019 में एक बार फिर से गुरदासपुर की राजनीति में सनी देओल ने कदम रखा लेकिन वो उसके बाद विवादों में घिरे रहे। गुरदासपुर में उनका चुना जाना और उसके बाद विवादों में रहना एक अपने आप में एक ऐसी दिशा की तरफ लेकर के जाता है जो कि फिर कहीं ना कहीं से एक प्रश्न खड़ा करेगा कि क्या सनी देओल राजनीति में आगे बढ़ेंगे या अन्य कलाकारों की तरह वो भी अपने कदम आने वाले समय में खींचेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। इसके अलावा दर्शकों, जो बहुत चर्चित चेहरे रहे हैं पंजाब की राजनीति में, जो कि इसी दुनिया से आए थे, उनके नाम हम आपके साथ ज़रूर एक बार साझा करना चाहेंगे। जो चर्चित चेहरे रहे हैं वह रहे हैं कुलदीप मानक, जसराज जस्सी और सतविंदर बिट्टी।
तो दर्शकों, ये तो हो गई हमारी पुराने बातें, जहां से हमने आपके लिए ये चीज़ें निकाल करके ले करके आए। और उसके बाद अगर हम वर्तमान राजनीति में बात करें तो इस समय दो चर्चित चेहरे जरूर पंजाब की राजनीति में नज़र आ रहे हैं। एक मालविका सूद, हालांकि वो राजनीति में कदम रखा है और उनका कोई बॉलीवुड या फिल्म से रिश्ता नहीं है, लेकिन वो समाज सेवी सोनू सूद की बहन है और उनके प्रचार प्रसार के कार्य को मोगा कॉन्स्टिट्यूएंसी में सोनू सूद ने संभाला हुआ है। और इसके बाद एक और प्रसिद्ध पंजाबी गायक सिद्धू मूसावाला ने भी राजनीति में कदम रखे हैं, और देखना दिलचस्प होगा कि ये दो नए फनकार जो इस राजनीति के क्षेत्र में उतरे हैं, वो आगे इसमें कामयाब होते हैं या वो इसको अलविदा कहते हैं। ऐसी ही अन्य जानकारियों के साथ दर्शकों, हम आपके साथ आते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे और आपके साथ इस सियासी हलचल में कोई ना कोई विषय पर बातचीत करते रहेंगे। आज के लिए इजाजत दें, नमस्कार। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल न्यूज़ DNN बाय क्लिकिंग द बेल आइकॉन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।